बोला शिव शंकर अड़बंगी, कब के कर बन जाई है संगी। कैसे कब खुश होई जाई है कुछ कहा ना जाए। भोलेनाथ दुनिया के मालिक है बाबूजी, कब किसके ऊपर खुश हो जाएं, कब नाराज हो जाएं, ये उनकी मर्जी है, वो जानते हैं। एक तर्ज लगा मास्टर गजल में कहना है, यह या कहना है कि मजहब दोनों एक है, मजहब दोनों एक है, बस बदला करी ना भवन, गोकुल काधा के भवन, हजरत का मदीना है। ओरिजिनल रहा मास्टर, भाव में कहना है एक शिव मंदिर ऐसी, एक शिव मंदिर ऐसी, सब दर्शी को जाते हैं। पूजन करके शिव का पूजन, सब शीशे झुकाते हैं। भगवान भोलेनाथ की मंदिर बड़ी ही सुंदर और रमणीक, जो झारखंड में स्थित है बाबूजी, दुनिया के लोग दर्शन करने जाते हैं। कहना है मास्टर शहर में क्या बात है, बड़ी निराली है मंदिर वो भोले दानी की, बड़ी निराली है मंदिर वो भोले दानी की, पति परमेश्वर गिर जाऊ माँ भवानी की। जो भी जाता है, जो भी जाता है, फरियाद सुनी जाती है, खाली झोली वहाँ भक्तों की भरी जाती है। ए बाबूजी, भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर मंदिर बाबूजी, जो भी वहाँ जाता है कभी खाली लौट के नहीं आता है। कहना है
जिसकी जो कामना है उसको वही मिलता है। समझता जाए तो खुशियों का चमन खिलता है। समझता जाए तो खुशियों का चमन खिलता है। दानी बम्भोला खुश, दानी बम्भोला खुश, हो दाने लुटाते हैं। एक तर्ज है मास्टर, एक जने की शादी भय, दुल्हन गौने गई, दुल्हनिया के माई बिटिया के अपने एक बात बताए कि बिटिया एक बहुत हुकम मार के एक बात बताई, अगर आप ये देखे चाहत यहाँ कि मैं सेधु हमार अपने आप पे निर्भर बा, अपने आप से कमाई खाई ले कि बिटिया मेहर गुलम्बा बा, कहे माए कब्रे करी का कहीं हमारी एक शर्त बा, जब तुहार पति तोहरे लगे आए दुई बात करे बरे तो ओका पहले बैठे जिद हूँ, पहले कहूँ कि एक शर्त बा, ओकरे बाद आप हमसे बात करें। दुल्हा बाबू जी जौने समय दुल्हन से मिले गवा तो दुल्हनिया कहे तनी दूर ही रहा, कहे दूर ही रही, कहे हाँ तनी दूर ही रहा, हमारे अम्मा के एक शर्त बा, कहीं का शर्त भाई, कहीं इस समय कौन शर्त है, तो दुल्हनिया कहे कि हमारे अम्मा यही कहे यहाँ कि एक हमार शर्त बा, कहीं का शर्त बा बतावा तनी, कहीं कि दुई लात मार दू, ओकरे बाद ही बिट्टी कुछ बात करूँ, तो दुल्हावा कहे दुई लात का बात है, ठीक है शर्त है तुहार शर्त पूरी हो जाए, दुई नहीं चार मारा तनी जल्दी मारा। वही बाबू जी का खींच के लगाए दुई लात, मोहना भरता हो गया तो उठे न अपन मुँह नाई देखे तो कहा था है कोमल इस गोड़ बा तुहरे कहूँ लाग तो ना ही। वह का कहा थी मास्टर तर्ज में, अरे अब झारी दे गोड़वा तो हार रनिया, अब झारी दे गोड़वा तो हार रनिया, तिहू पथरा इस दहिया पे मार गोरिया, तो तर्ज है बाबूजी। भाव में कहना है, एक ग्वाल का लड़का भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास बाबूजी रोज गाय और भैंस को लेके जाता है वहां, और भगवान से अटूट भक्ति लगाए, कैसे मास्टर कहना है, अरे जाए चराने पशु रोज ललना, जाए चराने पशु रोज ललना, करे या जब निकाई जाए शिव चरना, बाबूजी भक्त दर्शन को रोज जाता है लेकिन उसकी भक्ति कैसी है, ना ही चढ़ाए धूप ना ही सुमनवा, जाए मंदिरवा में निस दिन लालनवा, अरे सबसे निराला रहा काम कहना, सबसे निराला रहा काम कहना, करे या जब मिटाई जाए शिव चरना, करे या
एक तर्ज है मास्टर अहिरौआ में, दुई दुल्हन आपस में बतिया थी, कहा थी का हो तोरे दुल्हा कैसे हम मानत होना थी, कहन हाँ हो हमार दुल्हा बहुत मानत जवन कहे तो वह सुनबो कर, कहन तुहार तो कैसे यहाँ, कहन का बहनी बोला थू जीव जरावत हूँ, अरे बहनी का भो बताबू, कहन ला सुना कैसे? अरे पूस बीता माघ बीता आएगा फगुनवा, तने में ससुर से आएगा सुदिनवा, आएगा गवनवा भवनवा में आए, आई से निगोड़िया सजनवा के पाए, काऊ कही काऊ सुनी मिलाए से भतरा, एक दिन खाए ताय अठारह दिन यतरा, पाँच किलो खाए खरी हनावा में सूते, पाँच किलो खाए खरी हनावा में सूते, ऐसे देवी दीन के भगवती माई लूटे, तो तर्ज रहा मास्टर आप सबको थोड़ा आनंद के लिए भाव में कहना है, वो भक्त की भक्ति कैसी है बाबूजी? भगवान के दरबार में जाता है बाबूजी, फल फूल जल नहीं चढ़ाता है, भगवान भोलेनाथ को रोज दुई लाठी मारत रहा, उसकी भक्ति ही अजीब थी, कहना है दुई लाठी रोज मारे सुना निसा दिनावा, एक दिन भूल गवा सुना बाबू अनावा, खाना खाए वाला समय पहुंचा भवनावा, इतने में थालिया में आएगा भोजनावा, उस दिन बाबूजी गाय और भैंस को चरा करके वो वापस चलाया, ये बात उसके दिमाग से उतर गई कि भगवान भोलेनाथ को हमें लाठी मारना है, दुई लाठी नहीं मारे, नहीं मारे और सामने भोजन आ गया, जब भोजन आया बाबूजी जैसे कबर उठावे चला ओकरे बाद में दिमाग आएगी को हो और का करत मास्टर, अरे खात में ख्याल होएगा छोड़ के भोजनावा, लाठी लेके पहुंचा है शिव के समनावा, क्रोधिया में लठिया से मूर्ति के मारी, क्रोधिया से लठिया से मूर्ति के मारी, इतने में खुश हो के बोले त्रिपुरारी, भोजन एक कवर मुहिम गवा कहा ओ हो आज हम तो लठिये नहीं मारे, उठाए बाबूजी टेढ़ाथा लाठी और चल दे भगवान भोलेनाथ के मंदिर के पास कि आज कैसे गलती होगी हमसे। भगवान भोलेनाथ बाबूजी देख रहे हैं कि वार भक्त इतनी बड़ी भक्ति खाना छोड़ के उठाए के लाठी बाबूजी मारे खींच के दुई लाठी, भगवान भोलेनाथ खुश हो गए, वाह खाना छोड़ के चलाए भक्त हमारे, ऐसे बड़े भक्त कहाँ मिल सका थी, तेरी लगा मास्टर। भगवान भोलेनाथ बोले कि आज मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, अरे मांग ले बेटो जो मांगे खोए, एकदम प्रसन्न हूँ। वही कहा थी अरे मंगनवा कहू न मांगा बेटवा, अरे मंगनवा कहू न मांगा बेटवा,
शिव जी कहाई लगे खुश होएगा मोरा मनवा मंगनवा कौनो माला मास्टर कहना है भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं बाबूजी इतना लगाओ हमसे तोहार खुश हो गए भोला दानी लाठी कमार भूला न प्यार ना तनिक किया है बेईमानी छोड़ नाता के जोड़ चल दिया है घर से मनमानी अरे जऊ नहीं मंग ब्याह मऊहई देव जऊ नहीं मंग ब्याह मऊहई देव क्यों भोला मनवा में खानी तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं अरे जो भी मांगना है मांग लो बेटा मैं देने के लिए तैयार हूं उड़ान में मास्टर खुश हो कहाई लगे त्रिपुरार अरे खुश हो कहाई लगे त्रिपुरार मनवा खुशबा लाल हमार मंगनवा कौनो मांगा बेटवा अरे मंगनवा कौनो मांगा बेटवा लाठी मारे आया छोड़ के भोजनवा मंगनवा कौनो माला बेटवा भक्त से अपने कह रहे हैं कि मांग लो बेटा जो मांगना है जो तुम्हारी इच्छा मैं देने के लिए तैयार हूं काहे दुनिया के मालिक हैं आप आपसे मैं क्या मांगू लटका में मास्टर अरे कहाँ मांगा बेटावा कहाँ मांगा बेटावा तो चाहे जो नहीं बर दानावा मांगा बेटावा लालानावा पे खुश होइगा मनावा लाठी मारे चलाया छोड़ के भोजनावा चाहे जवन मांगा पूरा होए यार मनावा मांगा बेटावा चाहे जब नहीं बारा दानावा मांगा बेटावा
का कह रहा है। हाथावा के जोड़ी बोला शिव के समानवा, हाथावा के जोड़ी बोला शिव के समानवा, है भोलेनाथ चाहे हमके मंगनवा, तोसे पहले नमवा मोर ले जहनवा मांगा बेटावा, चाहे जौन बारा दानवा मांगा बेटावा, हाथ जोड़ के भोले जी सामने खड़ा होगा बाबू जी, कहा दुनिया के मालिक अगर आप कुछ दे चाहत हैं तो हमारा नाम आपसे पहले दुनिया ले, दुनिया हमका जाने करे बाद आपको जाने, आल्हा में मास्टर कहना है। हथवा के जोड़ी बोला शिव से ललनवा भैया, होरे साथे भोले बाबा नमावा हमारा, पहले बैजुना मयाए लोग के जब नियाए भैया, आए भोले बाबा हो तोहार, है वरदान मांगा यादा का ललनवाए भैया, भगवान भोलेनाथ से कहा है आप दुनिया के मालिक हैं, अगर आप कुछ दे चाहते हैं तो भगवान आपसे पहले कि दुनिया हमारा नाम ले, भक्त का नाम रहा बाबूजी बैजू यादव, बैजू ग्वाल का लड़का था और कहा है बाबा पहले हमार नाम आवे तब तुहार नाम आवे, भोले बाबा हंस दिए बाबूजी कि ऐसे ऐसे भक्त हैं जो धन दौलत सोना चांदी नहीं मांगे, लाठी मार मार के अपना ही नाम अमर करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ बोल दिए तथास्तु युमस्त, युमस्त ऐसा ही होगा। कहां भोलेनाथ होए पूरा यार मनवा, अरे कहां भोलेनाथ होए पूरा यार मनवा, हमसे पहले जाए बेटा नमवा तोहार, प्रसन्न है बाबूजी कि दुनिया के नाथ आज हमें आशीर्वाद दे कि अब हमारा नाम होगा, इस धरती पर लोग हमें जानेंगे। पंडारी में कहना है मास्टर, अरे पहले नमवा हमारे रहे लाल अड़गवा, तब पहले नमवा हमारे रहे लाल अड़गवा, तब से बैजनाथ धमवाई नाम पड़ गवा, बैजनाथ धाम उस भक्त के मांगने पर कि हमारा नाम हो, भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दिए
कि तुम्हारा नाम होगा, तब से बाबूजी उस मंदिर का नाम बैजधाम पड़ गया बाबूजी। वाह, कहना है बैजनाथ तब नाम पड़ गवा, और जाने जग संसार हो खुश हो गई ले भोला दानी, अरे नमवा अमर तोहार हो तक कौनो शेरवा से जैसे सियार लड़ गवा, तक कौनो शेरवा से जैसे सियार लड़ गवा, तब से बैजनाथ हम भाई नाम पड़ गवा। नाम कर गया ग्वाल कलाला, जाने जग संसार हो तदुगुनु हैदर अली चले गए, तदुगुनु हैदर अली चले गए, भूलो राम धार हो मंगनवा कौनो मांगा बेटा, तब चौलाल गाइला खंजर का तरनवा, मंगनवा कौनो मांगा बेटा।